नहीं नहीं राफिया की वालदा ने मरने से पहले मुझे कहा था कि गयास मेरी बेटी पर सिर्फ बाप का ही नहीं मां का साया भी रहने देना बस, और ये बोझ मैंने आपके सर डाल दिया। हाँ तो खुदा गवाह है, बल्कि इस घर का एक एक फर्द गवाह है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है। हाँ तो मैं इस बात को मानता हूं, और अब्बा जान मरहूम के बाद हमेशा मैंने आपको उन्हीं की जगह समझा है, किसी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको। राफिया की शादी के बाद बच्चों ने अपनी जिंदगी अपने अंदाज से गुजारनी शुरू कर दी, घर वो घर न रहा, रोज लड़ाई झगड़े। भाईजान बात एक बार घर की चार दीवारी से बाहर निकल जाए तो फिर वो हाथ नहीं आती, और हमारे साथ यही कुछ हुआ है। अब मैं आऊं के ना आऊं, आओ आओ। अब मैं सटूं के ना सटूं, सटो सटो। मैं बोलूं के ना बोलूं, बोलो बोलो। बोला बोला ले, बोला ले बोलता हूँ। शुक्रिया। बोला बोला ले, बोला ले बोलता हूँ, आज सबकी कलाई मैं खोलता हूँ। अब तो ये हटूंगा बाबा साईं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ ताहितार, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें भी जिंदा। बाबा साहब छोड़ूंगा, आप इसे जीने का हक नहीं छीन सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे होते हुए जिंदगी और मौत के फैसले तुम अपने हाथ में नहीं दे सकते। मोहब्बतों का आशियाना, जन्नत निगाह है ये चमन मेरा, हया के फूल खिले हैं गुलाब चेहरों पर, नई सहर है। चमन मेरा ये चाहतों के दिए जल रहे हैं शाखों पर, नई सहर है। मोहब्बतों का